नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और आज हम देख रहे हैं कक्षा 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनका उपयोग। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दे रखी है डॉक्टर एलन रिचर्ड। इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बच्चों, इसमें है पहला डॉक्टर एलन एच रिचर्ड। कौन थी ये महिला, इनके बारे में देखते हैं अपन। 19वीं सदी के दौरान अमेरिका की एक औद्योगिक और पर्यावरण रसायन थी, ठीक है। सैनिटरी इंजीनियरिंग और गृह विज्ञान में उनके अग्रणी काम और प्रयोगात्मक अनुसंधान से नए विज्ञान ग्रह अर्थव्यवस्था की नींव रखी। वह ग्रह अर्थव्यवस्था आंदोलन की संस्थापिका थी, ठीक है। और पहली बार घर में गृह विज्ञान का इसका इन्होंने प्रयोग किया था। और पोषण के अध्ययन में रसायन विज्ञान का प्रयोग भी इन्होंने किया था। तो ये थी अपनी डॉक्टर एन एच रिचर्ड। फिर नेक्स्ट है हमारी डॉक्टर एस आनंद लक्ष्मी। इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर एस आनंद लक्ष्मी ने मेडिसिन में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय से मानव विकास में डॉक्टरेट किया था। वह चेन्नई के, कहाँ की थी, चेन्नई के विद्या मंदिर में एक प्रारंभिक शिक्षा के अभिनव रूप में कार्यरत थी। बाद में उन्होंने लेडी इनविन कॉलेज में अध्यापन शुरू किया, मतलब पढ़ाना शुरू किया, जहां उन्होंने बाल विकास विभाग की शुरुआत की। वह सेवा अहमदाबाद, तिलोनिया, पांडुचेरी और बाल मंदिर में स्वैच्छिक कार्यक्रमों में सक्रिय रही। उनके प्रशासन मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, अनुसंधान विधियों और भारतीय सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित थे। उन्होंने शिक्षा, बाल विकास और पारिवारिक संबंधों के बारे में लिखा। किसने लिखा भाई, डॉक्टर एस आनंद लक्ष्मी ने। फिर है हमारी प्यारी राजमल पी देवदास। राजमल पी देवदास एक भारतीय पोषण वैज्ञानिक, शिक्षिका और अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस की पूर्व चांसलर थी। वह तमिलनाडु योजना आयोग, तमिलनाडु महिला आयोग की सदस्य थी और विश्व खाद्य सम्मेलन की निर्वाचित उपाध्यक्ष थी। भारत निर्वाचित मतलब चुनी गई उपाध्यक्ष थी और भारत सरकार ने 1992 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था, ठीक है। फिर है हमारी डॉक्टर जी सुब्रमलक्ष्मी। डॉक्टर जी सुब्रमलक्ष्मी एक प्रख्यात पोषण विशेषज्ञ हैं, जिनका शिक्षा, अनुसंधान और प्रशासनीय कार्यों में 45 वर्षों का अनुभव है। उन्हें पोषण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने पोषण विशेषज्ञ के रूप में अमूल डेयरी, एनएस इंडिया, हिंदुस्तान लिवर, आईसीडीएस और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कार्य के विभिन्न प्रोजेक्टों में काम किया है। वेरी गुड। फिर है अपनी फ्लेमी पेंसी किट्रेल। इन्होंने क्या किया था, फ्लेमी पेंसी किट्रेल अंतरराष्ट्रीय स्तर की पोषण वैज्ञानिक थी, पर उनका मुख्य आकर्षण बाल विकास और परिवार कल्याण था। अपने 40 वर्षों में शिक्षण कार्य में वह पारिवारिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कई विकासशील देशों में यात्रा पर गई। पोषण में विद्या वनस्पति हासिल करके, मतलब वनस्पति मतलब पीएचडी हासिल करके वह पहले अफ्रीकी महिला बन गई। वह विश्व में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर
हमेशा ध्यान आकर्षित करवाती थी और महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करती थी। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये और परीक्षाओं में अति 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 रूप से आता ही आता है, या तो अर्धवार्षिक में मिलता है बच्चों या वार्षिक में मिलता है। यह है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन, इनके बारे में भी सभी जानते हैं। भारत में हरित क्रांति में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन को गेहूं और चावल की उच्च किस्मों को विकसित करने के लिए हरित क्रांति के भारतीय पिता भी कहा जाता है। उनका दृष्टिकोण दुनिया में भूख और गरीबी को खत्म करना है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने स्थायी कृषि, स्थायी खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण पर भी कार्य किया है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उनका योगदान, पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज पढ़ के। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार बच्चों।